इस्तीफा देना हो गया पक्का। यूक्रेन से लौटते ही होगा बड़ा खेला। क्या भारत लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे? क्या मोदी का इस्तीफा देना पक्का हो गया है? खुद ही मोदी ने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसके बाद से सब हैरान हो गए हैं। मोदी समर्थक टेंशन में है और मोदी विरोधी इस बात का मखौल बना रहे हैं कि खुद ही मोदी ने अपना इस्तीफा देना पक्का कर दिया है। ऐसी बातें क्यों चल रही है, चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इस वक्त पीएम मोदी यूक्रेन दौरे पर है। शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेता ने ज़ेलेंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे तक बैठक की। इस दौरान मोदी ने ज़ेलेंस्की से हाथ भी मिलाया और बस यही गलती मोदी ने कर दी। जी हाँ, इस वक्त मोदी और ज़ेलेंस्की के हाथ मिलाने का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मोदी के इस्तीफा देने का कारण यही एक मुलाकात बताई जा रही है, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आज तक जिस भी देश के पीएम से हाथ मिलाया उन्होंने अपनी सत्ता गंवा दी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसीलिए अब जब मोदी ने ज़ेलेंस्की से हाथ मिला लिया है तो कहा जा रहा है अगला नंबर मोदी का है। यूक्रेन से लौटकर ऐसी परिस्थिति आएगी कि मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको पहले बताते हैं कि कौन कौन से वो पीएम और राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाकर अपनी सत्ता गंवाई है। बोरिस जॉनसन, मारिया द्राघी, सना मरीन, ऋषि सुनक, जो बाइडन, ये सारे पीएम और राष्ट्रपति ने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया था जिसके बाद इनकी सत्ता चली गई और कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बनी जिसके बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और अब मोदी की तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें मोदी ने ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाया हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें इन सारे विदेशी पीएम के बारे में जानकारी दी गई है। इन्होंने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाकर अपनी सत्ता गंवाई। इसको पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, यूक्रेन के कवि में मोदी ज़ेलेंस्की के हाथ मिलाने के बाद ये वायरल हो गया। इस पोस्ट पर जनता भी रिएक्ट कर रही है। एक यूजर ने लिखा है, क्या हम किसी अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे हैं? एक और यूजर ने लिखा, आखिरकार हमें इसका इलाज मिल गया। एक और यूजर ने लिखा, अगर ये सच है तो सबसे ज्यादा खुशी होगी। फिलहाल आपको बता दें, इस मुलाकात में भारत और यूक्रेन के बीच मानवीय सहायता, खेती, मेडिसिन और कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ाने पर समझौता हुआ। इससे पहले मोदी ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे थे जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर डॉल भी रखी। वहीं पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ये बच्चों के लिए विनाशकारी है। फिलहाल मोदी की बात करें तो कहा जा रहा है मोदी बैसाखी पर सरकार चला रहे हैं, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। मोदी नीतीश और नायडू के सहारे सरकार चला रहे हैं और अगर कोई भी पीछे हटा तो मोदी की सरकार गिर सकती है। यही कारण है कि ज़ेलेंस्की से इस तरह हाथ मिलाने के बाद मोदी के इस्तीफा देने की बात और चल रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।